हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखो, मैं यहाँ समीकरण में लिख रहा हूँ। समीकरण क्या है, 2 कोष्टक x + 4 = 12। तो इस प्रकार कोष्टक वाले समीकरण को कैसे अपन सरल करते हैं, चलिए थोड़ा इसका पहले बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक कहाँ से आई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को याद है कि आपने छठी में एक वितरण नियम पढ़ा था, ठीक है। वितरण नियम दूसरी प्रश्नावली में आपने पढ़ा था। वितरण नियम क्या होता है, जैसे कोई खाली चर संख्या ही है, अचर ही है, चर नहीं है उसमें। जैसे संख्या बोलूँ मैं 3 × 4 + अपन 3 × 2 करते थे, ठीक है। 3 × 3 या कुछ भी करते थे, इसका मतलब क्या करते थे अपन कि देखो यहाँ वितरण नियम में अपन क्या करते थे, इस 3 × इस 4 से भी हुआ है और 3 × इस 3 से भी हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज हो रहे हो इसलिए मैं इसकी जगह 5 कर लेता हूँ। ये यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, दोनों को समान संख्या से गुणा हुआ था ना। अपन क्या करते थे, 3 इसमें सारो ले लेते थे, कॉमन ले लेते ले लेते 3 इसमें से बाहर ले लेते थे और 3 यहाँ लेते थे। फिर अपन कोष्टक लगाते थे, गुणा का चिन्ह लगाते थे ना। तो यहाँ 3 इसमें से निकल जाते, यहाँ क्या बचता था 4, ठीक है। और प्लस का चिन्ह प्लस का पड़ा ही है, यहाँ क्या बचता था 5। इसका मतलब क्या है कि समान संख्या है, 3 का गुणा पहले 4 से करो, ठीक है, प्लस का है, फिर 3 × तुमने 5 से किया। तो 3 हम क्या करते, दोनों में समान है तो कॉमन बाहर ले लेते, सार भी ले लेते, ठीक है। 3 इसमें से ले लिया, इसमें से भी ले लिया, यहाँ कौन सा पद रहा 4, प्लस का प्लस, यहाँ पद कौन सा रहा 5, ठीक है। फिर अपन क्या करते थे, इस कोष्टक को पहले सरल करते थे, 5 5 और 4 9, फिर कोष्टक खोलते थे, 3 × 9 क्या होता था 27 होता था, ठीक है। इससे अपन क्या सीखते हैं कि ये है कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। यानी इस पूरे पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मैंने कॉमन लिया, कोष्टक खोला 4 + 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मैं इसको जोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि यह एक चर राशि है और चर और अचर आपस में असमान होती है, इसको अपन जोड़ नहीं सकते, ठीक है। एक्स में 4 कभी जुड़ेगा नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे ब्रैकेट खोलूंगा इस पद को मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यानी इस 3 का पहले एक गुणा कैसे करूंगा 4 से, और फिर इस 3 को गुणा करूंगा 5 से, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब यही हुआ ना, देखो वितरण नियम यही होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको 2 का गुणा करूंगा एक्स से, वो होता है 2x, फिर 2 गुणा करूंगा 4 से, वो क्या होता है 8, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने सीखा है कि ये दो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया गया है, यानी 2 इस x के साथ भी है और 2 इस 4 के साथ भी है। जैसे देखो इसका मतलब क्या है, 2 × x + 4 × 2, ठीक है। वापस मुझे अगर ये पद बनाना हो, 2 इन दोनों में से मैं बाहर लूंगा, जैसे 2 बाहर लूंगा तो ब्रैकेट का चिन्ह आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा 4, ठीक है। तो बेसिक यही कहता है इसका, देखो यहाँ पे तो सारी संख्याएं थी इसलिए मैंने इस ब्रैकेट में सरल कर दिया, ठीक है। अगर सरल नहीं हो तो मैं इसको वापस खोल के वापस ये पद बना सकता हूँ ना। तो वैसे के वैसे ये प्रोसेस है कि 2x पहले इस 2 का गुणा इस x से करो, फिर 2 गुणा इस 4 से करो। देखो 2x 2 गुणा x से किया, 4 गुणा 2 से किया। अगर वापस मुझे ये पद बनाना है तो मैं देखो 2 दोनों में से कॉमन बाहर लूंगा, 2 बाहर लिया, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है ना। तो इसको अपन सरल करने के लिए पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं गुणा का चिन्ह, ये ब्रैकेट खोलती है, 2 का सिर्फ इस x से गुणा नहीं होगा, 2 का इस x से भी होगा, 4 से होगा। क्यों होगा मैंने तुमको इतनी बता दिया, इसकी रीजन क्या है इसका मैंने बता दिया है। चलो बस आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या काम करोगे, ब्रैकेट ही सेल करोगे, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे x + 4 जोड़ता तो है नहीं, तो ब्रैकेट सेल करने से लाओ इसको अपन खोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, इसे खोलेंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, 2 का गुणा पहले इस x से होगा और फिर 2 गुणा होगा इस 4 से, ठीक है। क्यों मैंने अभी समझाया है, क्योंकि वितरण नियम से तुमको मैंने बताया क्या कारण होता है, इसका रीजन क्या होता है। इसको अपन जब खोलेंगे तो अपन ऐसे पद इसको बना सकते हैं, पहले 2 × x होगा, फिर 2 × 4 होगा। वापस 2 तुम इसमें से वापस सार वो कॉमन लोगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, जो कॉमन लेंगे वापस वितरण नियम लगा कि वही का वही पद बनेगा, बराबर 12 यहाँ पड़ा है। पहले इसको सरल कर लो, 2 × x क्या होता है 2x + 4 × 2 क्या होता है 8। अब तुम्हारे लिए साधारण समीकरण है, तुमको x का मान चाहिए, ठीक है। तो उसको आगे सरल करते हैं, 2x को यहाँ पड़ा रहने दो, प्लस 8 को उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस के 8, और 2x बराबर हो जाएगा 12 - 8 क्या होता है 4, और x बराबर अभी भी 2 का मान चाहिए, x गुणा में है तो उसको वैसे ही भेजोगे तो ये हो जाएगा भाग में, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार। तो अतः x बराबर 2 समीकरण का हल होगा। तो चलिए इसका b करते हैं।
चलिए बी करते हैं इसका। तीन एन माइनस पांच बराबर 21, ठीक है। तो तीन इसके साथ में, ब्रैकेट के साथ में है ना, इसका मतलब ब्रैकेट को अपन खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलते ही गुणा का चिन्ह आता है, ठीक है। ब्रैकेट खोलते ही गुणा होता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट सरल हो जाता है, यानी यहाँ पे एक पद आ जाता तो एक पद का गुणा एक पद से हो जाता, आंसर आ जाता। पर यहाँ देखो दो पद है, ठीक है। जैसे ही दो पद है तो अपन इसको ब्रैकेट खोलते ही वितरण नियम से तीन इसके एन के साथ भी था और तीन इस पांच के साथ भी था, उसको पूरा खोलेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणा n माइनस 3 गुणा 5 बराबर 21, यहाँ पड़ा है। 3 गुणा n क्या होता है, 3n, और 3 गुणा 5 होता है 15 बराबर 21। अब देखिए, अभी आपके लिए एकदम नॉर्मल समीकरण है, आपको n का मान चाहिए, तो करते हैं अपन। यहाँ बीजी पद, यहाँ चर संख्या यहाँ रखते हैं बाएं पक्ष में, बाकी संख्या दाएं पक्ष में भेज देंगे। -15 दाएं पक्ष में जाते ही हो जाएगी प्लस के 15। तीन एन 21 प्लस 15 कितने होते हैं, 36। एन बराबर अभी 3 गुणा में, वहां जाके हो जाएगा भाग में, 30/3। 36 में इनका भाग जाता है 12 बार, तो एन बराबर 12 प्राप्त हुआ। अतः दिए गए संगत समीकरण में एन बराबर 12 प्राप्त होगा, ठीक है। इसका सी क्वेश्चन करते हैं। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ब्रैकेट जो कोष्टक है ना उसको ध्यान से खोलना है, बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 3 कोष्टक n माइनस 5। अब एक चीज में ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आए कि 3 प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 5 ऐसे आए, तब आप क्या करोगे, इस 3 का भी सबसे ज्यादा गुणा नहीं करोगे, आपको सिर्फ ब्रैकेट सेल करने के लिए 2 का x से गुणा करोगे, फिर 5 से गुणा करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम पहले 3 प्लस 2 जोड़ो फिर गुणा करो, नहीं, पहले हमेशा बोर्ड मास के नियम से पहले ब्रैकेट सेल होगा, पहले x का गुणा करो फिर आगे सेल करना है, ठीक है ना। उससे पहले सबसे पहला काम क्या होगा, तुमको ब्रैकेट सॉल्व करने का ही होगा, यानी कोष्टक को सॉल्व करना है। अगर यहाँ 2 जुड़ रहे हैं संख्या, तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा है तो उसको पूरा सॉल्व करोगे, उसको पूरा खोलोगे वितरण नियम से, जो मैं सिखाया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस 3 गुणा पहले होगा एन से, फिर होगा -5 से बराबर -21, यहाँ पड़ा है। 3 गुणा n क्या होता है, 3n, 5 गुणा 3 15 बराबर -21, यहाँ पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ चार संख्या रखनी है, 3n, बाकी उधर भेज दो -21, माइनस की संख्या उधर हो जाएगी प्लस की संख्या। -21 और प्लस के 15 कितने होते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस है, यानी 6 आ जाएगा और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 21 है, ठीक है। एन बराबर गुणा की संख्या हो जाएगी भाग में, 6 में 3 का भाग 2 बार, अतः संख्या एन बराबर -2 प्राप्त होगा। अतः दी के संगत समीकरण में एन बराबर -2 इसका हल होगा। डी करते हैं, डी क्या कह रहा है, -4 2 प्लस x बराबर 8। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा, कब भी समीकरण आएगा समीकरण को सरल करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा। ब्रैकेट अगर यहाँ अंदर सरल नहीं हो रहा, कुछ जुड़ नहीं रहा है, उसको ब्रैकेट को अपन खोलेंगे, ब्रैकेट खोलते ही गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोलते ही इसको गुणा का चिन्ह आएगा, तो पहले इस अचर संख्या का पहले इससे गुणा, फर्स्ट वाले से फिर दूसरी संख्या से, ये अगर 3 पद हो तो तीनों से अलग अलग बार गुणा होगा, ठीक है। क्योंकि वितरण नियम से मैंने कहा था कि ये पहले 4 लेके बाएं माइनस से बाहर आइए, अब इसको अपन साथ में सबका गुणा वापस करेंगे। -4 गुणा 2 से करेंगे तो क्या आता है, -8। -4 गुणा प्लस x से करेंगे तो क्या आता है, -4x बराबर 8 इधर पड़ा है। चार संख्या इधर रखते हैं, -8 दो जगह हो जाएगा +8, -4x, 8 प्लस 8 कितना होते हैं, 16। अगर x बराबर देखो -4 इसके गुणा में दो जगह हो जाएगा भाग में, चिन्ह चेंज नहीं होगा, सिर्फ गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी। माइनस के चिन्हों को परिमेय संख्या में या तो भले मैं हर के साथ भी रख सकता हूँ और अंश के साथ भी रख सकता हूँ, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको मैं -16/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस 4 का 16 में भाग 4 हो जाता है, यानी -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका ई करते हैं, ई देखो ई कैसे करेंगे, ई करने का क्या तरीका है,
चार, दो माइनस एक्स बराबर 8, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पे पहले प्लस तीन प्लस चार कुछ भी हो, सबसे पहले अपन को काम क्या करना है, समीकरण में अगर पहला ऐसा कोई पद दिखा है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सरल करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सरल नहीं हो रहा है तो उसको खोलेंगे, ब्रैकेट खोलते गुणा का चिन्ह, चार गुणा पहले दो से होगा फिर माइनस एक्स होगा, चार गुणा दो से करेंगे तो आठ, और माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस के चार एक्स बराबर आठ। चार पद को इधर रखेंगे, आठ को उधर भेज देंगे, प्लस का आठ हो जाएगा माइनस का आठ, माइनस के चार एक्स, आठ में से आठ जाती है तो जीरो बचता है, मुझे एक्स का मान चाहिए, माइनस चार इधर गुणा में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। आपको ये स्टेप यहाँ लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको स्टेप सारे लिखना है, जैसे मैं पुराने क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ वैसे का वैसे स्टेप लिखना है। जीरो में अपन किसी का भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, वो छोटी क्लासों में सीखते आए हैं। अतः दिए गए संगत समीकरण का हल एक्स बराबर जीरो होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।